फ्रेंड्स, आप सभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इसका अंतर भली भांति जानते हैं। कंडक्टर से एनर्जी पास हो सकती है, इंसुलेटर से नहीं होती है। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। इस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बीते एक दशक में हमारी सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस दशक के अंत तक हमने 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत में हो रहे पॉलिसी रिफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इंपैक्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर पड़ेगा। हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। आज भारत दुनिया के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है। हमने टैक्सेशन प्रोसेस को फेसलेस और सीमलेस बनाया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में आने वाले कई पुराने कानूनों और कंप्लायंसेस को खत्म किया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए हैं। ये निर्णय, ये नीतियां इसका प्रतिबिंब है कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। जैसे जैसे भारत रिफॉर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, आपके लिए और ज्यादा नए अवसर तैयार होते जाएंगे। सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत एक शानदार कंडक्टर बन रहा है। साथियों, अपने इस प्रयासों के बीच भारत ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरतों को भी जानता है। रॉ मटेरियल, ट्रेन मैन पावर और मशीनरी को लेकर आपकी अपेक्षाओं को हम समझते हैं। इसलिए हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित है। जिस सेक्टर में हमने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम किया है, उस सेक्टर ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। स्पेस सेक्टर हो या जियोस्पेशल सेक्टर, हर जगह हमें बेहतरीन नतीजे मिले हैं। आपको याद होगा, पिछले साल सेमिकॉन के दौरान सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के प्लेयर से सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के आधार पर सरकार ने अनेक बड़े फैसले लिए हैं। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम जो इंसेंटिव दे रहे थे उसे बढ़ाया गया है। अब टेक्नोलॉजी फर्म्स को भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 50% की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी।
देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ को गति देने के लिए हम लगातार पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं।